क्या सच में ऐसा कोई पत्थर होता है जो लोहे को सोने में बदल देता है? पारस पत्थर के बारे में कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है और कई पौराणिक ग्रंथों में भी पारस पत्थर का जिक्र देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जिस किसी के पास ये पत्थर होता है दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे अमीर बन सकता है। पारस पत्थर को लेकर इतिहास में कई युद्ध भी लड़े गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पारस पत्थर सच में हुआ करता था, और अगर पारस पत्थर था तो वो आज कहाँ पर है? आज तक किन किन लोगों के हाथों में ये पत्थर लगा है? आज की इस वीडियो में हम आपको पारस पत्थर के बारे में कई ऐसी चीजें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई विज्ञान नहीं सुलझा पाया है। पारस पत्थर का रहस्य भी इन्हीं रहस्यों में से एक है। पारस पत्थर दिखने में तो एक साधारण पत्थर ही नजर आता है, लेकिन ये एक चमत्कारी पत्थर होता है। पारस पत्थर के जरिए किसी भी लोहे की वस्तु को सोने में बदला जा सकता है, यानी जिसके हाथ एक बार ये पारस पत्थर लग जाए वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन सकता है। भारतीय ग्रंथों में भी पारस पत्थर के बारे में जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि एक बार बहुत पहले एक गरीब ब्राह्मण हुआ करता था। उसने अपनी गरीबी दूर करने के लिए शिवजी की घोर तपस्या की। भगवान शिव उस ब्राह्मण की तपस्या से खुश हुए और कहा कि वो वृंदावन जाकर सनातन गोस्वामी से मिले। शंकर देव की बात मानते हुए ब्राह्मण ने गोस्वामी से मुलाकात की और गोस्वामी ने उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहाँ पारस पत्थर मौजूद था। ब्राह्मण ने वहाँ पहुँचकर खुदाई की और उसे पारस पत्थर मिल गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर गोस्वामी ने ये पत्थर अपने पास क्यों नहीं रखा। जरूर उनके पास कोई इससे भी बड़ा खजाना होगा। ब्राह्मण गोस्वामी के पास पहुँचा और वहीं पर दीक्षा ले ली। इसके बाद ब्राह्मण को भगवत गीता रूपी खजाने का ज्ञान मिला, जिसके आगे दुनिया का कोई भी खजाना फीका है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस दुनिया का निर्माण भी पारस पत्थर की मदद से ही किया गया है, लेकिन ये सब बातें तो धार्मिक दृष्टिकोण और पौराणिक ग्रंथों की हैं। कई अन्य किताबों में भी पारस पत्थर का जिक्र देखने को मिलता है। द एम्पीरियर ऑफ इंडिया नाम की किताब में भी पारस पत्थर की एक कहानी लिखी गयी है। एक बार मध्य प्रदेश के मांडू इलाके में एक घसियारा हुआ करता था जो घास काट कर अपने परिवार का पालन करता था। घास काटने के दौरान उसका हसिया किसी चीज से टकराया और वो सोना बन गया। सोने का हसिया देखकर घसियारा डर गया और उसे लगा कि राजा उसे इस बात के लिए दंड दे सकता है। तभी वो एक लोहार के पास पहुंचता है और कहता है कि वो इस हसिये के बदले एक लोहे का हसिया उसे दे दे। घसियारा काफी भोला था और लोहार बहुत चालाक। लोहार ने बातों बातों में घसियारे से सारी बात उगलवा ली और फिर वहाँ पहुंचकर पारस पत्थर की खोज शुरू कर दी। लोहार को पारस पत्थर मिल गया और कुछ ही दिनों में वो इस पत्थर के जरिए पूरे नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। उसके बाद उस लोहार ने अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर के राजकुमार से कर दी। राजकुमार को लगा कि शहर के सबसे बड़े सेठ के यहाँ से उसे दहेज में काफी धन दौलत और जेवरात मिलेंगे, लेकिन सेठ ने अपनी बेटी को दहेज में वो पारस पत्थर दिया था। विदाई के बाद राजकुमार को काफी गुस्सा आ रहा था और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे पिता इतने अमीर हैं, लेकिन दहेज में उन्होंने कुछ नहीं दिया। एक सोने का गहना तक तुम्हारे पिता ने नहीं दिया, ऐसा भी कोई सेठ होता है क्या? पत्नी ने तभी अपने पास से एक पत्थर निकाला और कहा कि पिताजी ने ये दिया। राजकुमार वो पत्थर देखकर और आग बबूला हो गया और उसने वो पत्थर नर्मदा नदी में फेंक दिया। बाद में राजकुमार को पत्थर की अहमियत के बारे में पता चला और उसने नदी में पत्थर की खोज शुरू की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो पत्थर नहीं मिल पाया। कुछ लोगों का कहना है कि आज भी वो पारस पत्थर नर्मदा नदी के अंदर मौजूद है। पारस पत्थर होने के यूं तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसके सबसे पुख्ता सबूत भोपाल में 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में कैद है। राजा रायसेन ने 1200 ईस्वी में इस किले का निर्माण कराया था। उनके पास पारस पत्थर मौजूद था। पारस पत्थर हथियाने के लिए कई दुश्मनों ने उनके महल पर आक्रमण किया था, लेकिन राजा पारस पत्थर को बहुत हिफाजत के साथ रखते थे। राजा ने अपने महल में एक खुफिया जगह पारस पत्थर को छिपा रखा था। पारस पत्थर के लिए रायसेन के किले पर 14 बार आक्रमण किया गया और इन्हीं में से एक युद्ध के दौरान राजा रायसेन की मौत हो गई थी। रायसेन की मौत के साथ ही पारस पत्थर का रहस्य भी दफन हो गया। उसके बाद पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। कई इतिहासकारों ने पारस पत्थर को ढूंढने की बहुत कोशिश की। बहुत से लोग आधी रात को महल में जाकर खुदाई करते और पारस पत्थर ढूंढने की मेहनत किया करते थे। जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि विद्याओं का सहारा भी पारस पत्थर ढूंढने के लिए लिया गया। ये भी कहा जाता है कि जिसने इस महल में पारस पत्थर ढूंढने की कोशिश की उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि उस पारस पत्थर की सुरक्षा एक जिन करता है। जहांगीर द्वारा लिखित पुस्तक जहांगीर नामा में भी पारस पत्थर का वर्णन मिलता है। उन्होंने लिखा है कि एक बार उनके पिता अकबर नर्मदा नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उनकी सेना में एक विशालकाय हाथी था जिसका नाम कद्दावर था। हाथी के पैरों में लोहे की सांकल लगी हुई थी। कुछ देर बाद जब लोगों ने ध्यान दिया तो देखा कि हाथी के सांकल सोने के बन गए हैं। पारस पत्थर के बारे में अकबर ने भी काफी कुछ सुन रखा था। उसने अपनी पूरी सेना लगाकर पारस पत्थर की खोज करवाई। कई दिनों तक सेना नदी से पारस पत्थर की खोज करती रही, लेकिन अकबर या उसके किसी सैनिक को वो पत्थर नहीं मिल सका। पारस पत्थर को लेकर एक और कहानी कुछ इस प्रकार है। नर्मदा नदी के किनारे ही एक युद्ध के दौरान एक बार दुर्गा पिंडानी नाम का योद्धा लड़ रहा था। उसके हाथ में खून से लथपथ एक बर्छा था। बर्छा एक हथियार को कहते हैं। एक बार बर्छा जमीन पर गिरा और वो सोने में बदल गया। दुर्गा पिंडारी ने 2500 सैनिकों के साथ मिलकर पारस पत्थर की छानबीन शुरू की, लेकिन उसके हाथ भी निराशा ही लगी। इस घटना का वर्णन द मराठा एंड पिंडारी वार में देखने को मिलता है। 2000 साल पहले लिखी एक किताब चिरियोक माता
नाम की किताब में भी पारस पत्थर के बारे में लिखा गया है। पारस पत्थर पर विश्वास करने वालों का मानना है ये पत्थर ऐसे वैसे किसी शख्स के हाथ में नहीं आता और ना ही कोई इसे ढूंढ पाता है। जो भी इस पत्थर के काबिल होगा उसके पास ये पत्थर स्वयं आ जाएगा। किताबों के अलावा कई बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पारस पत्थर की खोज करने की कोशिश की और उसके रहस्य को सुलझाने का भी प्रयास किया। इनमें एडवर्ड कैली, रॉबर्ट बॉयल और आइजेंस न्यूटन जैसे नाम भी शामिल है। रॉबर्ट बॉयल ने दावा किया था कि लेड को सोने में बदला जा सकता है। वहीं एडवर्ड ने मरकरी को सोने में बदलने का दावा पेश किया था। मरकरी को हिंदी में पारा कहा जाता है और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि पारा शख्स ही इस अनमोल पत्थर का नाम पारस पत्थर रखा गया है। लेकिन न्यूटन के अनुसार ये दोनों ही दावे गलत थे। इसके बाद भी कई वैज्ञानिकों ने सोना बनाने की विधि ढूंढने की कोशिश जारी रखी। बताया जाता है कि सन 1980 में अमेरिका की एक लैब में रिसर्चर्स ने धातु को सोना में बदलने का आविष्कार कर लिया था। ये एक्सपेरिमेंट इयरनेस्ट रदरफोर्ड की थ्योरी पर आधारित था, लेकिन सोना बनाने की वो विधि काफी महंगी थी और उसमें काफी समय भी लगता था, यानी सोने के मूल्य से भी ज्यादा लागत उसमें आ रही थी, इसलिए उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। इतनी सारी घटनाएं महज एक संयोग नहीं हो सकती, यकीनन इनका कहीं ना कहीं आपस में कोई कनेक्शन जरूर है। दोस्तों, पारस पत्थर होता है या नहीं ये मानना आपके ऊपर है। बात धर्म की हो या ऐतिहासिक घटनाओं की या फिर मॉडर्न साइंस की, इतिहासकारों ने कभी इस बात को मानने से इनकार नहीं किया कि पहले के जमाने में पारस पत्थर सच में मौजूद था। पारस पत्थर भारत में मौजूद था, शायद इसलिए भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या पारस पत्थर सच में मौजूद है? और अगर आपको पारस पत्थर मिल जाए तो आप इसका क्या इस्तेमाल करेंगे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी जानकारी के साथ।